जब कोई पॉलिटिकल पार्टी है ऐसा लगता है ना, भाजपा के आरएसएस की एक फ्रंट है। मोदी आने के बाद सही माने में हिंदुत्व एजेंडा जो है वो उसका अमल इस देश में मोदी कर सकेगा। एका पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य हुसेन दलवाई यांनी पत्रकारांना अशी माहिती दिली की भाजपाने हिंदुत्व या गोष्टीचा अर्थ स्पष्ट करावा आणि अल्पसंख्याक समुदायांच्या हक्काप्रती त्यांचे विचार मांडावेत। महाराष्ट्रातील राज्यसभा सदस्य हुसेन दलवाई यांनी आरएसएसवर असा आरोप लावत सांगितलं की आपलं लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यात आलाय। जिस ढंग से मोदी को लाया गया है वो आरएसएस ने लाया गया है, और भाजपा कोई पॉलिटिकल पार्टी है ऐसा लगता ही नहीं। भाजपा पे आरएसएस की एक फ्रंट है, जैसे उनकी विद्यार्थी परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू एकता है या विश्व हिंदू परिषद है, वैसी ही उनकी ये राजनीतिक फ्रंट है और वो सब निर्णय लेते हैं। साहब किसने कहाँ से लड़ना, किसने क्या करना, कोई कौन क्या होगा, सारे डिसीजंस वहाँ से होते हैं, नागपुर से होते हैं, भागवत साहब करते हैं। और जानबूझ के मोदी को उन्होंने इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने का सपना देखा है। हुसेन दलवाई यांनी पुढे असंही सांगितलं की जर मोदी पंतप्रधान झाले तर निश्चितच ते देशभरात हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचे अनुसरण करतील। मोदी आने के बाद सही माने में हिंदुत्व एजेंडा जो है वो उसका अमल इस देश में मोदी कर सकेगा, क्योंकि मोदी ने जिस ढंग से गुजरात में फसाद किए और उनके दिमाग में जो था कि सबक सिखाए, वो उस तरह के यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, खाली मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चन है और दूसरे लोग हैं, उनको सबक सिखाने का काम मोदी करेंगे ऐसा उनको लग रहा है। हुसेन दलवाई यांनी ही गोष्ट स्पष्ट केली की मुस्लिम समाज मोदीं विरोधात आहे आणि यावेळी देखील यूपीएची सरकारच सत्तेत येणार। यूपीए 3 सत्ता पे आएगी 100%, उसमें कोई ये नहीं। और महाराष्ट्र में तो हमारी सीटें बढ़ रही हैं, हमारे आज 17 है, 22 तक जा सकते हैं, एनसीपी के 8 है, वो 13 तक जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV बातमीपत्र।